पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा इधर, इन द स्कूल द परसेंटेज ऑफ बॉयज इज 60% एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 600. फाइंड द नंबर ऑफ, पहला क्वेश्चन, टोटल स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज, तीसरा परसेंटेज ऑफ गर्ल्स. तीन क्वेश्चन है और आपको तीनों बनाना है. अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व, ठीक है. हम लोग परसेंटेज से कहाँ से चले बता, बहुत दूर से हम लोग परसेंटेज को सीखते 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 आए हैं और अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं. देखिए, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन पे दे उसको बढ़िया से पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि बॉयज का परसेंट कितना दिया गया, ठीक है. एक बात मैं बता रहा हूँ, आपको समझना है कि स्कूल में कौन पढ़ता है, बता, स्टूडेंट में कौन कौन शामिल होता है, टोटल स्टूडेंट कितना है, नहीं पता, ऐसे कितना है परसेंट में, 60 कौन बोला, उसको दो थप्पड़ मारेंगे सर लेकिन से. उसको कहाँ दिखा दिया क्या स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट स्कूल में टोटल जो पढ़ रहा है वो कितना परसेंट, कोई भी अरे आवाज निकालो, 100%. जिसमें से बॉयज कितना है, गर्ल्स कितना है, नहीं पता, तो बेवकूफ हो क्या, जब जान रहे हो कि पूरा 100% है. अरे भाई जान रहे हो कि मेरे पास 100% टोटल है, उसमें से 60% हमको पता है, तो एक और कितना होगा, बॉयज एक क्या हो गया, अरे क्या हो गई, दोनों को जोड़ दिया तो क्या आया, वो क्या है, स्टूडेंट. ये सोचा, जब भी स्कूल का बात करे तो बॉयज और गर्ल्स, स्टूडेंट का बात करें तो 100%, स्टूडेंट मतलब सीधे 100%, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. स्कूल में स्टूडेंट 100% पढ़ता है. आइए, इतना तो पता चल गया कि लड़की कितना परसेंट है, बोलो 40%, यानी 40% में 60% लड़का, 40% लड़की, टोटल स्टूडेंट कितना है, इतना क्लियर हुआ सर को. अब बताओ, इसी तरह के कार्ड क्वेश्चन थोड़ा सा दे रहे, अभी इसको सोल्यूशन बाद में हम लोग करेंगे. एक फैक्ट्री है, अरे यार तू पहले सुनो, फैक्ट्री है और फिर पूछेंगे तुमसे तो तू फिर 205/4 बोलने लगेगा. पहले सुनो तो एक बार, मैं तुमसे पूछूंगा स्पेशल, उस टाइम बताना. टेस्ट है, वेस्ट है, तुमको बनना है. चले इसके लिए जोरदार ताली बजाइए. तो आप लोग ये बोला टेस्ट और वेस्ट, जोरदार ताली. टेस्ट टीचर लेता है और वेस्ट स्टूडेंट बनता है, और दोनों एक देखो रिथम शब्द है, दोनों टेस्ट वेस्ट. तो टेस्ट वेस्ट है क्या, मतलब क्या हुआ, टेस्ट हम लेंगे और बेस्ट कौन बनेगा, स्टूडेंट. चलिए, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में लेबर, लेबर समझते हैं,
लेबर कौन हो सकता है? लेडीज और जेंट्स दोनों, मेल और फीमेल दोनों। अगर एक फैक्ट्री में मेल 60% है तो फीमेल कितनी होगी? अगर मेल 30% है तो फीमेल कितनी होगी? और अगर वेरी गुड, चलिए ये तो आप समझ रहे हैं। चलो तो इतना तो समझ में आया कि एक स्कूल है उसमें बॉयज का परसेंट 60 है, एकदम बढ़िया से पढ़िएगा तो, और गर्ल्स जो है 600 है। तो हमें तीन चीज़ों का जानकारी चाहिए जिसमें से एक हमको निकल चुका है। क्या निकला? परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। कितना परसेंट लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बराबर 100% माइनस 60% इक्वल गर्ल्स, सबको निकल गया। अब बॉयज का संख्या निकालना है, परसेंट नहीं संख्या, और टोटल स्टूडेंट का संख्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इस बात को आप बढ़िया से समझ लीजिएगा कि टोटल स्टूडेंट बोलेगा तो उसमें दो को मिला होता है, ठीक है? जहाँ दो से अधिक मिला ना वो 100% है, उसमें से बॉयज का दे दिया, गर्ल्स का दे दिया। अच्छा अब मैं बताता हूँ आपको कि स्कूल में आप जब पढ़ने गए और पूछे कि बॉयज इस स्कूल में कितना पढ़ता है, तो स्कूल वाला बोला कितना? 60%। आपको पता नहीं है, ठीक है? उसके बाद तू लोग पूछी कि लड़की कितनी पढ़ती है, तो स्कूल वाला बोला कि 600। लड़की का संख्या बता दिया लेकिन लड़का का नहीं बताया, लड़की का बता दिया। आपको भी लड़की का पता है ऐसे, ठीक है? जैसे ही बोला कि 60% लड़का पढ़ता है तो आप लोग जैसे ही निकाल लीजिएगा कि अच्छा 40% लड़की है, लेकिन आपको लड़की का संख्या परसेंट में पता है और उसको नंबर में पता है ना? तो क्या हम लोग दोनों को क्या करेंगे? इक्वल कर लेंगे। और वही तो लोग पढ़ रहे हैं, परसेंटेज में इक्वल कैसे करना सीखेंगे। देखिए इधर लड़की का प्योर नंबर बता रहा है 600 और इधर लड़की का परसेंट आप लोग बता रहे हैं 40%। तो दोनों लड़की के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? लड़की का 40%, लड़की का संख्या 600, दोनों क्या है? इक्वल है। याद रहेगा आपको? yes. समझ में आ रहा? देखिए तो गर्ल्स में यहाँ पर 600 बोलो या 40% बोलो, बात तो एक ही है ना? yes, चलिए इधर परसेंट से शुरू करेंगे, इक्वल देखे 600, इसका मतलब क्या हुआ था? 40% बोलेंगे तो 600 लड़की पता चलेगा, यही हुआ ना इस क्वेश्चन में? yes, 60% बॉय है और लड़की 600 है, तो 60% बॉय तो गर्ल्स कितनी हो गई? 40। तो 40% गर्ल्स है मतलब 600 समझना है। 40% को क्या समझना है? 600। 1% को क्या हम समझेंगे? तो एंट्री मेटर जाते हैं ना, इधर वाला पहले और इधर वाला नीचे, परसेंट हट जाता है, ठीक है? इधर आएगा परसेंट हट जाएगा, परसेंट नहीं लिखना इधर। 40% मतलब 600, तो 1% मतलब 600/40, इधर परसेंट हट जाएगा इधर परसेंट रहेगा। अब हमको किसका निकालना है पहले बताओ? बॉयज का परसेंट इधर चलेंगे ना? परसेंट इधर और नंबर इधर। तो 40% मतलब 600 हमको समझना है, क्या है 600 क्या है और 40% क्या है? गर्ल्स का परसेंट। तो हमको बॉयज निकालना है, बॉयज कितना परसेंट? 60%, यानी 600/40 गुना 60। हम क्या बोले इधर? यूनिटरी मेथड सबको समझना है, 40% मतलब 600, तो 1% मतलब 600, इधर 40, तो 60% मतलब ऊपर वाला ही लिखे हैं, गुना इस 60 से गुना कर दिए, ठीक है? अब इसको कटाओ तो क्या होगा? 2 2 4, 2 3 6, 2 6 कितना बार में? 3 बार में। एंड बॉय कितना आया? 900। 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 2 3 6 कितना आया बॉय? 900। गर्ल्स कितनी है बोलो? टोटल स्टूडेंट कितना हुआ?
टोटल स्टूडेंट बोलो 1500। कैसे आया? ऐड कर दी। किसको किसको? बॉयज एंड गर्ल्स। पता था ना आपको? यस सर। टोटल कितना आया? क्लियर है? यस सर। सबको? यस। चलिए बहुत अच्छा। अगर ऐसा नहीं निकाला जाता तो एक और बेटर से हम लोग निकाल सकते थे। कैसे? देखिए इधर देखिएगा, इधर देखने का है। हम लोग ऐसा निकाल सकते थे कि 40% मतलब 600, 1% मतलब बोलो, तो टोटल स्टूडेंट भी निकालना है ना। टोटल स्टूडेंट को परसेंट में क्या कहते हैं? 100 कहते हैं ना। 100% बराबर एक दिन से एक जीरो कट गया 15 बार। कितना आया? 15। कितना? आप बताओ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा देखिए, 100% के बराबर क्या आया? कितना? 100% मतलब क्या होता है बताओ? टोटल स्टूडेंट बराबर 1500 है ना। 40% में तो क्या होता है? क्या हुआ था? 40% किसका था? गर्ल्स का संख्या है, ठीक है। 60% बराबर 900, तो 60% किसको कह रहे थे हम लोग? बॉयज की संख्या, ठीक है। इसको उतार सकते हो आप लोग जल्दी, ये उतारो, उसके बाद मैं जल्द दे रहा हूँ। हाँ यस, लिखो तुम। हाँ जी लिखिए, बोले इन द फैक्ट्री, इन द फैक्ट्री, इन द फैक्ट्री द नंबर ऑफ मेल द नंबर ऑफ मेल इज 30% लेस देन, 30% लेस देन, 30% लेस देन फ्रॉम, 30% लेस देन फ्रॉम टोटल लेबर, फुल स्टॉप। इफ नंबर ऑफ फीमेल इज, नंबर ऑफ फीमेल इज 210, 210, 210, then find the number of male and total labor.
चलिए हो गया सबका, इसको मिटा रहे हैं। चलिए आप लोग भी लिखिए, देखते हैं। इन द फैक्ट्री हो गया, द नंबर ऑफ मेल इज, द नंबर ऑफ मेल इज 30% लेस देन, द नंबर ऑफ मेल इज 30% लेस देन फ्रॉम टोटल लेबर। इसको बोर्ड पर मैं बुलाऊंगा बनाने के लिए। द नंबर ऑफ मेल इज 30% लेस देन फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ लेबर इफ नंबर ऑफ फीमेल इज, इफ नंबर ऑफ फीमेल इज टू हंड्रेड टेन, 210, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड टोटल नंबर ऑफ लेबर। चलिए कौन बनाएंगे पहले, आइए इधर कॉपी लेकर के, किसी को अगर हिम्मत है तो। आइए चलिए, जोरदार ताली लड़का के हिम्मत के लिए, जोरदार एक बार ताली बजाइए। चलिए आ रहे हैं हमारे साथ, आइए आइए यहाँ पर आइए। चलिए मास्क लगाए रखिएगा ताकि आपका फोटो आए, उसको खोल दीजिए नीचे ही चप्पल से। हाँ मास्क हटा दीजिए। चलिए हमारे साथ क्या नाम है, अनमोल कुमार जो है ये बना रहे हैं बोर्ड पर, देखिएगा व्हाइट बोर्ड पर आया है हमारे साथ अनमोल कुमार। हाँ बोलिए कितना, 290, चलिए देखते हैं ये लड़का बना रहा है, देखिएगा इसको कैसे बना रहा है। चलिए आप YouTube पर भी देख सकते हैं सारे वीडियो को, आज से रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया है, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है। सारे बच्चे जाइएगा यहाँ से, और कोचिंग का जो यूट्यूब चैनल है TCC कोचिंग सेंटर, और जहानाबाद जरूर डालिएगा, जैसे ही आप लोग जाइएगा तब तक अपलोड हो चुका होगा। TCC कोचिंग सेंटर जहानाबाद डालिएगा, एक आ जाएगा इस लड़का भी आज शायद आएगा उसमें, ये लड़का तो देखेगा जरूर, तो दो तीन लोगों को दिखाएगा भी हो सकता है, ठीक है। शेयर जरूर कर दीजिएगा 4-5 के पास, और आप लोग का काम जो देखिएगा वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि 300 अभी 350 हुआ है सब्सक्राइबर, 500 हो जाए कम से कम, 10-10 को अगर सब कोई करवा दिया तो हो जाएगा 500, लेकिन एक भी नहीं कोई करवाता। यहाँ पर कौन कौन सब्सक्राइब करके रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
आठ तो दिया है, देखो झूठ बोलता है, दिया है, चलिए वेरी गुड। और किस, अच्छा कौन कौन एक दूसरा से करवाया है जबरदस्ती की करो, कोई नहीं तुम करवाई है, बहुत सुंदर, जल्दी बनाइए, जल्दी बाबू जल्दी बनाइए, बहुत सुंदर, अच्छा चलता किसी का आया कि नहीं आया, किसी का आया नहीं, चलिए मेल का 490 जोरदार तालियां इसके लिए, जोरदार ताली बजाइए। और बहुत अच्छा से बिना बिना कोई इंट के ये लड़का ने बहुत अच्छा जवाब दिया, इसलिए मिलता है इनको टीसीसी की तरफ से, दिखा दीजिए डायरी में, जोरदार ताली, बहुत सुंदर, चले जाइए, थैंक यू। चलिए तो ये बहुत शानदार समझा है ना, और जिस तरीका से बनाया वो काबिले तारीफ है, बहुत ज़बरदस्त तरीका से बनाया, बहुत अच्छा लगा हमें, आप लोग भी बनाइए कम से कम। चलिए नेक्स्ट, ये समझ में नहीं आया जिनको, उनको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत आसान था, कुछ लोग नहीं समझ पाए, उनके लिए मैं एक बार फिर से, हाँ जी बोलिए 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 बोलिए, यश कुमार देखिए ये लड़का क्या किया, इसको मिटा दे रहे हैं, ऐसे बनाया, देखो 70%। अच्छा देखो इधर लिखा गया क्वेश्चन में कि जितना मेल है वो टोटल का 30% कम है, मेल कितना है बोलो, मेल मतलब टोटल का 30%, टोटल कितना होता है, 30 घटा दिए तो कितना मेल है, यही समझना था, क्वेश्चन को हम घुमा दिए थे, तुरंत से बना नहीं बना ना, कोशिश नहीं कर रही तो दिमाग कहाँ से कर लिए, इतना इतना तो मेल कितना है, पहले तो मेल निकाल लेना है, उसके बाद क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल स्टूडेंट 100% है, मेल हो गया 30% कम, 70% मेल हो गया ना, अब हमको फीमेल भी पता चल गया, अगर 70% मेल है तो उसमें 100 आना चाहिए ना, तो 30% फीमेल हो गई, अब फीमेल का संख्या भी दिया हुआ है, देखो क्या किया, फीमेल के बराबर कर दिया चलाकी से, जैसे ही चलाकी किया तो यहाँ पर फीमेल बराबर 210, देखो तो 1% बराबर 30% के बराबर 210, 1% बराबर इतना बटा इतना, तो 70% बराबर इतना बटा इतना, कट करके आया 90। अब अगर टोटल स्टूडेंट निकालना रहता तो ये 100% कर देता तो टोटल निकल जाता कि नहीं, यहाँ पर जो रखिएगा वो वैल्यू आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको के लिए रेडी है, सबको जल्दी से बनाने का प्रयास करेंगे, इस बार भी आएगा कोई बच्चा बोर्ड पर, देखते हैं खुद से बनाने का प्रयास करें, और खुद से बनाने का प्रयास करें, गलती होगा तो आपका सीखिएगा कुछ, और बीच में ताका ताकी देखा देखी और पूछ ताछ करके बनाना, कहीं ना कहीं आपको आपको नीचे कर रहा है और आप नहीं सीख पाएंगे, इसलिए कोई देखेगा नहीं इधर उधर, और बिल्कुल अपने से और जैसे जैसे बताएं वही कॉन्सेप्ट लगाइएगा, तो इसमें बस दो ही कॉन्सेप्ट है, टोटल मतलब 100% यही है ना, जो दिया है उसके बराबर कर दो, यही है ना, चलिए अब छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को छोटा रखते हैं, ठीक है, इन द
पैकेट पैकेट ऑफ पैकेट या कार्टून पैकेट ही रखो। इन द पैकेट्स ऑफ चॉकलेट पैकेट ऑफ चॉकलेट चॉकलेट के पैकेट में, अब बताओ चॉकलेट का पैकेट बंद है उसमें कितना परसेंट चॉकलेट है, तो समझना पड़ेगा। हाँ, नंबर ऑफ रेड कलर चॉकलेट इज 400। चॉकलेट दो प्रकार का है, रेड एंड ग्रीन। रेड एंड ग्रीन इन द पैकेट ऑफ चॉकलेट, रेड एंड ग्रीन कलर का चॉकलेट है उस पैकेट में, जिसमें से रेड कलर का चॉकलेट 400 है एंड एंड परसेंटेज ऑफ ग्रीन कलर इज, ग्रीन कलर चॉकलेट इज 40%, 40% देन फाइंड द नंबर ऑफ टोटल चॉकलेट्स। अभी रुक जाइए आप, है ना, रुकेगा अभी, तुमको मिल गया, तुम बनाएगी। अच्छा आइए आइए, चलिए कुसुम कुमारी आ रही हैं, जोरदार तालियां इनके लिए भी। कितना है अंतर, यस कैची पर बनाता है जी, क्या पर बनाते हो, बोर्ड को तो टंगवा लो पहले, उसके बाद बोर्ड पर बनाओ, पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हो। बोर्ड को कल से टंगवाओ कहीं पर, चलिए सबको बनाएंगे, बिल्कुल तुमको बन गया रे, हैं तू खाली दिन काट रहा है, सब आएगा आज देखना ना। चलिए 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, फ्रिज वाला में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, करना पड़ेगा।
चलिए हो गया, बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाइए। कॉन्सेप्ट कैसे रखना है, ठीक है? फिर से एक बार मौका तुमको मिलेगा, बैठिए। एक क्वेश्चन में कटने वाला नहीं था, इसलिए आंसर 2000/3 आया। सबका है 2000/3, कट नहीं रहा था, है ना? क्वेश्चन में गलती हो जाता है कभी कभी, एक कटने वाला नहीं था इसलिए इतना ही बड़ा स्टॉप। इसको पॉइंट में बदल सकते हैं, तो चॉकलेट का संख्या पॉइंट में अगर आएगा तो फिर दिक्कत ही है। कोई आखिर खाया तो कौन खाया उसमें से, है ना? जैसे मान लो आया, इसका कितना परसेंट आएगा, 3×6 = 18, 3×6 = 18, 3×6 = 18, ऐसे ऐसे, तो 666.5, यानी कि आधा कौन खाया उसमें।